इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। నా కలిసి సార్ నా కలిసి నీ ఓకే నీ ఓకే ఏ నీకు పెరవరు పెరవరు నీకు ఉండంట పెరవరు अल्लाह बोल अल्लाह बोल आरएसएस पे अल्लाह बोल आरएसएस पे अल्लाह बोल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मंगलूर पुलिस मुर्दाबाद मंगलूर पुलिस मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 हम लोग जानते हैं कि आए दिन हिंदुस्तान के अंदर हमारे कर्नाटका को एक यूपी का मॉडल बनाने की कोशिश चल रही है। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे बेलगाम में भी हाल ही में हम लोग देखे हैं कि एक चर्च के अंदर एक प्रीस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है तलवारों के ज़रिए से। ठीक इसी तरह अलग 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 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो है कोशिशें चल लेकर हैं। इसी तरह मंगलूर के उप्पी नंगड़ी के अंदर कुछ लोग पांच मुसलमान बंदों के ऊपर हमला करने के लिए जब पहुंचे तो वो अपने दिफा के लिए वहां पर अपना दिफा किए हैं। उस दिफा करने वाले लोगों को पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और जो जालिम थे उन जालिमों को छोड़ दिया। जब हमारे मजलूम मुसलमानों को अरेस्ट किया गया तब वहां पर वहां के पीएफआई के लीडर्स को भी अरेस्ट करके एक फॉल्स एक फैब्रिकेटेड केस डालने की कोशिश की गई। उसी वक्त वहाँ के जो है अवाम वहाँ के उलमा सारे मिल करके एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पर जब जमा हुए उप्पी नंगड़ी के पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर के एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट के दरमियान में जब नमाज का वक्त आया तो इमाम साहब जब नमाज़ पढ़ रहे थे
उसी दौरान वहां पर लाठीचार्ज भी हो गई और हम लोग देखे हैं कि तीन लोगों को अरेस्ट किया गया था, उन तीन में से एक की रिहाई हुई, दो को वापस से वहीं पर अंदर अरेस्ट करके रखा गया था। हम लोग डिमांड किए थे, वहाँ की अवाम ने डिमांड किया था कि उन दो बच्चों को भी रिहा किया जाए, लेकिन वहाँ की पुलिस बजाय कोऑपरेट करने के, बजाय साथ देने के, एक संगी अपना एक बिहेवियर दिखाकर एक गुंडे की तौर पर वहाँ की पूरी अवाम के ऊपर लाठीचार्ज करके वहाँ के कई सारे मुसलमान प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है हमला की है। हम लोग देखे हैं कि जो इमाम जिसने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई उनके ऊपर भी हमला करके उनका सर पूरा खोला गया है। इसी तरह 50 से ज़्यादा वहाँ के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर हमला करके उनके ऊपर लाठी बरसाकर उन्हें ज़ख्मी किया गया है। जब उन ज़ख्मी नौजवानों पर, उन ज़ख्मी मुसलमानों को लेने के लिए जब एम्बुलेंस पहुंचती है तो उस एम्बुलेंस को भी जो है वहाँ की पुलिस एम्बुलेंस के सामने लाठी लेकर ठहर कर एम्बुलेंस को जाने का रास्ता नहीं देती। फिर भी जब एम्बुलेंस वहाँ पर रिक्वेस्ट करके जब निकलती है तो रास्ते में जितने भी पुलिस खड़े हैं वो सब पुलिस जो है एम्बुलेंस को लाठी से मारते हैं। ये सारे फुटेज आप खुद देख सकते हैं, वीडियो सारे आकर है सोशल मीडिया में। तो हम लोग डिमांड करते हैं कि वहाँ पर उप्पी नंगड़ी के पुलिस स्टेशन में जो कल कार्रवाई हुई है, वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर्स जो ये चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनका सस्पेंड, वो अपनी नौकरी से सस्पेंड उनको किया जाए, और साथ साथ में ये संघी लोगों को और ये पुलिस डिपार्टमेंट को जो मंगलूर की जो संघी चड्डी अंदर पहनकर काम कर रही है उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने लाठी बरसाओ, अपनी बंदूक आजमाओ, अपने टीयर गैस आजमाओ, जो चाहे आजमाओ। पॉपुलर फ्रंट का कैडर डरने वाला नहीं है इंशाल्लाह। बेलगाम की पुलिस से कुछ सबक सीखें। मंगलूर की पुलिस को चाहिए कि हमारे बेलगाम के पुलिस से सबक सीख कर बेलगाम के पुलिस के जैसा कोऑपरेट करके काम करें, तब जो है हक गालिब होगा और बातिल खत्म होगा इंशाल्लाह। संविधान मेले आने प्रमाण माड़ी वर्दियन्नु धरिसिरुवंतह ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶಪಥ ತಗೊಂಡು ಏನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಲಾಠಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಲಾಠಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿರೋದಂತೂ ನಿಜಕ್ಕೊಂದು ನಾಚಿಕೆ ವಿಷಯ. ಸಹೋದರರೇ, ನಿನ್ನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಾಳಿಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಬೀಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ NRC CAA ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡಿದೋ ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಸೆ ನೀಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ನಾಚಿಕೆ ವಿಷಯ. ಅದು ಕೂಡ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಡರ್ಗಳು ನಿನ್ನೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಯದ್ವ ತದ್ವ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವು ಪೆದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲದ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತೀನಿ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸಿಗೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಡರ್ಗಳು, ಇದೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಒಂದಿನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಆ ದಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಕಣವು ಇವತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯಲು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಚಿಕೆ ವಿಷಯ. ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ರಹಿಸೋದು, ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಚಿಕೆ ವಿಷಯ.